हेलो स्टूडेंट्स, मैं एनकेटी फिर आ गया हूँ आपको पढ़ाने ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब जब सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो उसे ब्रीदिंग कही जाती है। आपने गाना भी सुना है, सांस में मेरी सांस मेरी तो मुझे सांस आई। तो ब्रीदिंग जो है एक मैकेनिज्म है जिसमें एटमॉस्फेयर की एयर फेफड़े में जाती है, उसे इंस्पायरेशन कहते हैं। और जब एल्वियोलाई की एयर बाहर आती है तो उसे एक्सपायरेशन कहते हैं। जब सांस आई तो इंस्पायरेशन, सांस बाहर गई थी एक्सपायरेशन। मतलब ब्रीदिंग में फर्दर दो स्टेप है, लोग इसे रिस्पिरेशन समझ लेते हैं। रिस्पिरेशन का पहला स्टेप है, ये समझना है आपको। आइए देखा जाए तो ये देखिए मैंने लिखा है ब्रीदिंग पहला स्टेप है। एनसीईआरटी ने सिखाया है शानदार तरीके से, आपको भी सीखना है, देखना है कैसे होती है। तो अगर आप ब्रीदिंग में देखें तो होता ये है, इस प्रक्रिया में दो काम होता है। एक तो एटमॉस्फेयर की एयर जो होती है, मतलब जो एटमॉस्फेयर की एयर है, पहला चांस है कि वो एल्वियोलाई में जाए, एल्वियोलाई में जाए। तो जब वो एल्वियोलाई में जाती है तो प्रक्रिया को इंस्पायरेशन कहते हैं। और दूसरी चांस है कि वो एल्वियोलाई की एयर एटमॉस्फेयर में आए, उसे एक्सपायरेशन कहते हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर ब्रीदिंग को देखा जाए तो इसमें दो प्रोसेस है, जिसमें पहली जो प्रोसेस है उसे इंस्पायरेशन कहते हैं। इस इंस्पायरेशन में अगर आप देखें तो एटमॉस्फेयर की एयर जो होती है, जो एटमॉस्फेयर की एयर है वो जाती है एल्वियोलाई में। ये देखिए, ये जाती है एल्वियोलाई में, फेफड़े के अंदर जाती है एल्वियोलाई में। ये इंस्पायरेशन नॉर्मली 2 सेकंड का होता है। और बेटा ये एक्टिव प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है, सांस व्यक्ति अपने मन से लेता है। ये देखिए, तो इंस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें एटमॉस्फेयर की एयर एल्वियोलाई में जाती है। और अगर इसका दूसरा स्टेप देखा जाए तो वो एक्सपायरेशन है। अगर आप एक्सपायरेशन को देखें तो इसमें उल्टा होता है। उल्टा क्या होता है? कुछ उल्टा नहीं है, घबराना नहीं है भाई। ये देखिए, एल्वियोलाई की एयर एटमॉस्फेयर में रिटर्न कर जाती है, एल्वियोलाई की एयर एटमॉस्फेयर में रिटर्न कर जाती है। ये जो एक्सपायरेशन है ये जनरली 3 सेकंड का है और ये पैसिव प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? ये देखिए, ये पैसिव प्रोसेस है। ये इस तरह से अगर हम आपसे पूछें कि एक सांस लेने में, सांस लिया और सांस छोड़ा, एक टोटल ब्रीदिंग में टोटल कितना सेकंड लगता है, आप कहेंगे सर टोटल सेकंड लगते हैं 5। मतलब 5 सेकंड में एक ब्रीदिंग पूरी होती है। इस तरह से अगर आप देखें तो नॉर्मल रिस्पिरेटरी रेट जो होती है या नॉर्मल ब्रीदिंग रेट जो व्यक्ति की होती है, इस नॉर्मल ब्रीदिंग रेट को हम लोग कहते हैं कि इसकी भैया जो रेट है वो कम से कम 12 है, ज़्यादा से ज़्यादा 16 है। कितने देर में? पर मिनट में। अगर आप एक बार में, एक मिनट में सांस ले रहे हैं, कैलकुलेट करें वॉच लगा के, ये घड़ी लगा के चेक करेंगे तो 12 टाइम्स कम से कम और मैक्सिमम 16 टाइम्स आप सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। क्योंकि एक बार सांस लेने में समय लगता है 2 सेकंड और सांस छोड़ने में समय लगता है 3 सेकंड। मतलब 2 सेकंड 3 सेकंड का ये कॉन्सेप्ट है। जैसे पढ़ना है, इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस से 2 सेकंड में होती है, एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस से 3 सेकंड में होती है। ये जो हम लोग सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, इसी नॉर्मल ब्रीदिंग को लोग जो है एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कहते हैं। पता लगा कहीं लिखा हो कि भाई एब्डोमिनल ब्रीदिंग क्या है, तो आप सोचे कुछ और ब्रीदिंग अलग तरह होती है ना भाई ना। ये देखिए, ये एब्डोमिनल ब्रीदिंग है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग है। अब इस ब्रीदिंग में कौन कौन से मसल्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व हो रही हैं, हम लोग चेक करते हैं। पहले सबसे पहले आप इंस्पिरेशन समझ लें, एक्सपिरेशन समझ लें। सांस लिया गया इंस्पिरेशन, सांस छोड़ी गया एक्सपिरेशन। सांस लेने में 2 सेकंड लगता है, सांस छोड़ने में 3 सेकंड लगता है। मतलब एक सांस छोड़ने और लेने में 5 सेकंड लगता है। तो मुझे सांस आई कितने मिनट में, कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। सांस कितनी देर में गई? 3 सेकंड में। घड़ी लगा के चेक कर लीजिए, एनकेटी कहते हैं ये परफेक्ट बात है। लेकिन ये कब की बात है? नॉर्मल कंडीशन है। कुछ और भी बातें हैं जो आपको सीखनी चाहिए, मेरे हिसाब से सीखना चाहिए। क्या क्या बातें हैं जो सीखना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहा है तो उसे यूपनिया कहते हैं। जब कोई नॉर्मल सांस लेता है, नॉर्मल ब्रीदिंग करता है, तो उसे हम लोग यूपनिया कहते हैं। ये देखिए, मतलब अगर आप नॉर्मल सांस ले रहे हैं तो यूपनिया है। अगर आप सांस लेना बंद कर दिए तो ये देखिए एपनिया है, नो ब्रीदिंग। सांस आपने बंद कर दिया लेना तो फिर कोई जरूरत ही नहीं लेने की, तब तो काम समाप्त हो चुका है, इस दुनिया से अलविदा बोलने वाले हैं।
अगर ये ब्रीदिंग रेट कम हो जाए, देखें क्या शब्द होते हैं कि अगर ब्रीदिंग रेट कम हो जाए, इसे हम लोग ब्रेडिपनिया कहते हैं, ब्रेडिपनिया कहते हैं, लो ब्रीदिंग रेट। ये देखिए, अगर कोई सांस लेना कम कर दे तो कहते हैं भाई कि ब्रीदिंग रेट कम हो गई है। बायो की भी भाषा में कहते हैं कि इनको ब्रेडिपनिया हो गई है। लेकिन एक दूसरी भी चांस है, अगर आप जब दौड़ना शुरू कर देते हैं रात में, आपके सपनों में आपके सपनों की रानी आती है, मतलब भूत प्रेत आते हैं, तो उसे टिकनिपिया कहते हैं। मतलब इसे कह सकते हैं सर ये तो हाई ब्रीदिंग रेट है, जब कोई तेजी से सांस लेना पड़ता है तो उसे हाई ब्रीदिंग रेट कहते हैं, या सिंपल लैंग्वेज में इसे टेकिपनिया कहते हैं। ये देखिए एक पनिया होती है डिस्पनिया, अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो उसे डिस्पनिया कहते हैं, या उसे हम लोग पेनफुल ब्रीदिंग कहते हैं। कौन से ब्रीदिंग कहते हैं? पेनफुल ब्रीदिंग कहते हैं। तो ये देखिए ये शब्द हैं जो आपको सिखाते हैं, एपनिया नो ब्रीदिंग, यूपनिया नॉर्मल ब्रीदिंग, ब्रेडिपनिया लो ब्रीदिंग रेट, टेकिपनिया हाई ब्रीदिंग रेट, और डिस्पनिया मतलब जब सांस लेने में तकलीफ होती है तो उसे डिस्पनिया कहते हैं। ये शब्द हैं जो आपको अलग अलग मतलब लैंग्वेज में, मतलब आपके कह सकते हैं कि आपकी ग्लोसरी में, बायो की ग्लोसरी में आपको मदद करते हैं। आइए एक एक स्टेप, पहले आपको इंस्पिरेशन सिखाता हूँ, फिर मैं आपको एक्सपायरेशन सिखाता हूँ। ये ब्रीदिंग का पहला स्टेप है जिसे हम इंस्पिरेशन कह रहे हैं। अभी मैंने बताया कि इंस्पिरेशन में जो होता है, पहला आप ये सीखें कि जो एटमोसफियर की एयर आती है, जो एटमोसफियर की एयर है, एटमॉस्फियर की एयर है, वो एयर मूव करके एल्विओली में आती है। ये देखिए इसका आपको कॉन्सेप्ट समझना है, मतलब एटमॉस्फियर की एयर जो है वो एल्विओली में आती है, मतलब आप सांस लेते हैं नाक से सांस एल्विओली तक जाती है, इसे इंस्पायरेशन कहते हैं। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये प्रक्रिया 2 सेकेंड में होती है और ये प्रोसेस एक्टिव प्रोसेस होती है। अब आपको पूरी बात सीखनी है कि इस सांस लेने में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं हमारी बॉडी के अंदर, इवेंट्स क्या क्या हो रही हैं, हमें सारी इवेंट्स अच्छे से सीखना है। सबसे पहले एनसीईआरटी ने एक खास फिगर बनाया है, तो आप भी ऐसे एक फिगर बना लें और आप इसको सीखने का प्रयास करें। ये ऐसे एक फिगर बनाया रखा है और इसमें दिखा रखा है कि भाई बाहर की जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो इंस्पायर्ड हो रही है, मतलब सांस अंदर आ रही है। इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर है। मैं अगर आपसे पूछूं ये कौन सा स्ट्रक्चर है तो आप कहेंगे अरे सर ये मैमल्स का करेक्टरिस्टिक फीचर है जिसे डायफ्राग कहते हैं। हम आपसे डायफ्राग के बारे में इतना ही बताएंगे कि ये डायफ्राग बालून ट्यूब मसल्स का बना हुआ है, इसमें कैल्शियम जरूरी है इसके मूवमेंट के लिए, और तीसरी बात यह है कि डायफ्राग में फ्रेनिक नर्व होती है। 3 बात आप अगर याद कर पाए कि डायफ्राग की क्या क्या खास बात होती है, पहले भी देखना पड़ेगा तभी हम आपको कोई बात सिखा पाएंगे। तो डायफ्राग जो है इसका शेप जो है बो शेप्ड है, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ इसका शेप बो शेप्ड है। इसके कॉन्ट्रेक्शन के लिए, क्योंकि ये मस्कुलर है तो इसके कॉन्ट्रेक्शन के लिए कैल्शियम चाहिए। ये देखिए कैल्शियम चाहिए, किसके लिए चाहिए? कॉन्ट्रेक्शन के लिए। नेक्स्ट इसमें फ्रेनिक नर्व पाई जाती है, फ्रेनिक नर्व है की सप्लाई होती है, और ये वॉलंटरी मसल्स का बना हुआ है, वॉलंटरी मसल्स का बना हुआ है। ये डायफ्राग्म बॉडी में 3 काम कराता है, एक तो बच्चे की डिलीवरी में मदद करता है, बच्चे की डिलीवरी को हम लोग पार्चुरेशन कहते हैं, दूसरा डिफिकेशन में मदद करता है, फीसिस को पास करने में मदद करता है, और तीसरा ये देखिए इंस्पायरेशन में मदद करता है। मतलब अगर आप समझ रहे हो तो ये डायफ्राग्म का पूरा हो गया डिटेल, डायफ्राग्म का पूरा डिटेल हो गया। तो इतने काम करता है डायफ्राग्म, पार्चुरेशन, डिफिकेशन, इंस्पायरेशन, 3 काम करता है डायफ्राग्म। तो अगर आप देखें तो सबसे पहले 2 सेकंड की बात हो रही है, तो जो 2 प्रेशर की बात हो रही है, देखिए इस केस में होता क्या है, अगर आप देखें तो एटमॉस्फियर के एयर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है, लेकिन जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, थोड़ा सा आपको ये बात समझना पड़ेगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है मतलब फेफड़े के अंदर का जो प्रेशर है,
इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है ये कम होता है, कम मतलब कम होता है, मतलब ये प्रेशर नेगेटिव है और ये प्रेशर पॉजिटिव है, तभी तो बाहर की एयर मूव करके अंदर आएगी। तो अगर आपसे कोई पूछे इंस्पिरेशन कब होता है, तब आपको बताना चाहिए कि सर इंस्पिरेशन के लिए सारा खेल किसका है, प्रेशर ग्रेडियंट का है। किसका खेल है? प्रेशर ग्रेडियंट का ये पूरा प्ले है। इस प्रेशर ग्रेडियंट को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, सिंपल सी बात सीखनी पड़ेगी बहुत सामान्य लैंग्वेज में, कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेयर का एयर का प्रेशर है, एयर प्रेशर है वो ज्यादा है, एटमॉस्फेयर की एयर का प्रेशर ज्यादा है, ये मतलब हुआ इसका। जबकि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर मतलब अंदर का जो फेफड़े के अंदर का प्रेशर है वो कम है। लिख दीजिए सर कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर यहाँ पर कम होता है, ये तभी तो बाहर की एयर मूव करके अंदर आएगी, यही तो कॉन्सेप्ट हुआ। अब शुरू कैसा होता है इंस्पिरेशन, क्योंकि एक्टिव प्रोसेस है, शुरू कौन करता है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को और सीखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये बात आपके लिए। तो सबसे पहले देखिए एनसीईआरटी ने बहुत ही शानदार तरीके से लिखा है, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डायाफ्राम, मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई डायाफ्राम का कॉन्ट्रेक्शन, जो डायाफ्राम है आप समझे इस फिगर को देखें, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डायाफ्राम, ये देखिए ये जो डायाफ्राम है ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू करता है, सबसे पहले यही शुरू करता है, ये शुरू करता है इनिशिएशन ऑफ इंस्पायरेशन, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डायाफ्राम, सबसे पहला स्टेप जो होता है वो कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डायाफ्राम होता है पहला स्टेप, और इससे इंस्पायरेशन शुरू हो जाता है, मतलब सांस लेना व्यक्ति शुरू करता है, इंस्पायरेशन बिगिन करता है, ऐसे लिख सकते हैं बिगिनिंग में आ जाता है। तो सबसे पहले किसका कॉन्ट्रेक्शन होता है? डायाफ्राम का, याद रखना है आपको, दिमाग में सेट करना है, गलत नहीं करना है आपको, 100 बार एनकेटी कह रहे हैं आपको सीखना है कि कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डायाफ्राम, जब वो डायाफ्राम नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ तो कॉन्ट्रेक्शन के कारण ये डायाफ्राम फ्लैट हो जाता है, और इसके कारण जो थोरेसिक चैम्बर का वैल्यूम है, थोरेसिक चैम्बर का जो वैल्यूम है, थोरेसिक चैम्बर आप समझ रहे हैं, रिप्स हुआ, स्टर्नम हुआ, ये सारी चीजें जो चैम्बर है, थोरेसिक चैम्बर का जो वैल्यूम है, आपको ये बात सीखनी है कि थोरेसिक चैम्बर का जो वैल्यूम है ये वैल्यूम एंटीरो पोस्टीरियर बढ़ता है, एंटीरो पोस्टीरियर बढ़ता है, ध्यान रखना है आपको कि थोरेसिक चैम्बर का वैल्यूम एंटीरो पोस्टीरियर इंक्रीज करता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको सीखने हैं, बहुत ध्यान से समझना है चीजों को कि भाई अगर डायाफ्राम कंट्रैक्ट करेगा तो उसका शेप फ्लैट हो जाएगा और थोरेसिक चैम्बर इंटीरियर पोस्टीरियर इंक्रीज करेगा, थोरेसिक चैम्बर की बात हो रही है, ध्यान रखेंगे इसका, थोरेसिक चैम्बर की बात हो रही है। जब ऐसा हो जाएगा पहला स्टेप, तो ये दूसरा स्टेप हो गया, जब ऐसा हो जाएगा तब देखिए एक मसल है रिब्स के बीच में जिसका नाम है कॉन्ट्रेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल, ये देखें आप एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, अगर आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं EICM लिख सकते हैं, ये देखिए EICM। अब पहले तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, जब ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देखिए रिब्स की साइज, रिब्स और जो स्टर्नम है वो रेज कर जाएंगे, रेज मतलब वो थोड़ा सा बाहर आएंगे, रेज होंगे, और इस तरह से अगर आप देखें तो जो थोरेसिक चैम्बर है, थोरेसिक चैम्बर है इसकी साइज इस बार डार्सोबेंटल इंक्रीज करेगी, आप समझ रहे हैं डार्सोबेंटल, पीठ की से पीठ की तरफ इंक्रीज करेगी, डार्सोबेंटल इंक्रीज करेगी। फिर सुन लें आप इस बात को कि सबसे पहले डायफ्राम का कॉन्ट्रेक्शन होगा, डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, थोरेसिक चैम्बर की जो साइज है इंटीरियर पोस्टीरियर इंक्रीज करेगी, जब ऐसा हो जाएगा तब कॉन्ट्रेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होगा, इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो रिप्स और स्टर्नम रेज करेंगी,
ऐसे में थोरेसिक चैम्बर डार्सो वेंट्रल इंक्रीज करेगा। तब आपको याद रखना है कि ये भी एक स्टेप है कि जब ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है, ये चौथा स्टेप है। पहले डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया तो इंटरनल पोस्टीरियर इंक्रीज हुआ थोरेसिक चैम्बर का, फिर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल कॉन्ट्रैक्ट किया तो रिप्स और स्टर्नम जो है रेस किए, थोरेसिक चैम्बर डार्सो वेंट्रल इंक्रीज हुआ। अगर आप यहां देखेंगे तो लिखा हुआ है इस तरह से, फिगर एनसीईआरटी ने बना रखा है इस तरह से, और एनसीईआरटी ने लिखा है कि इस जगह पर रिप्स और स्टर्नम रेस कर रहे हैं, मतलब वो अपनी साइज को बढ़ा रहे हैं, रिप्स और स्टर्नम रेस कर रहे हैं, ये सिखाना चाहते हैं हम आपको। ये देखिए, इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप देखिए। तो मैंने आपको ये बताया कि स्टर्नम जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो थोड़े से डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, थोरेसिक चैम्बर इंक्रीज करता है इंटीरियर पोस्टीरियर, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो रिप्स और स्टर्नम रेज करते हैं, इस बार थोरेसिक चैम्बर जो है डार्सो वेंट्रल इंक्रीज करता है। जब डार्सो वेंट्रल इंक्रीज करता है थोरेसिक चैम्बर, ध्यान से देखना है आपको, जब थोरेसिक चैम्बर, एनसीईआरटी बहुत ही सोच समझ के इस बात को लिखा है कि अगर थोरेसिक चैम्बर बढ़ेगा, थोरेसिक चैम्बर बढ़ेगा तो इसका इफेक्ट ये होगा कि पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा। थोरेसिक चैम्बर बढ़ेगा तो आपको समझना है कि पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा, और पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ने से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर घट जाएगा। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ध्यान रखना है आपको, घट जाएगा। ये बात सीखना है आपको, बहुत बड़ी बात मैंने कह दी है कि थोरेसिक चैम्बर जब बढ़ेगा, थोरेसिक चैम्बर कैसे बढ़ा, जब वो इंटीरियर पोस्टीरियर बढ़ा तो डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से, डार्सो वेंट्रल बढ़ा तो आईसीएम के कॉन्ट्रैक्शन से, और जब थोरेसिक चैम्बर बढ़ेगा तो थोरेसिक पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा, पल्मोनरी वॉल्यूम मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर घट जाएगा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पल्मोनरी वॉल्यूम का मतलब यह हुआ कि पहले गुब्बारा फूलता है, ये देखिए पहले गुब्बारा क्या होता है, फूलता है, तो अब गुब्बारा फूलने का रिस्पेक्ट है, ये देखिए पल्मोनरी वॉल्यूम ऐसे फैलेगा। तो ये थोरेसिक चैम्बर क्या है, ये जो रिप्स स्टर्नम है जिस केज के अंदर फेफड़ा पड़ा हुआ है, जैसे ऐसे सोचिए तोता किसके अंदर है, फेफड़े उसके केज के अंदर है, तो पहले केज बढ़ेगा, उसके अंदर गुब्बारा फूलेगा, और जब गुब्बारा फूलेगा तो गुब्बारे के अंदर का प्रेशर ज्यादा हुआ कम होगा, आप कहेंगे उस समय कम होगा, और जब कम होगा तभी तो बाहर की एयर अंदर आएगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि पहले गुब्बारा फूलता है, जब पहले गुब्बारा फूलता है तब हवा आती है, तो गुब्बारा फूलने का रिस्पेक्ट यहां पर क्या हुआ, पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ा। हवा आती है मतलब क्या हुआ, जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाएगा तो अंदर का प्रेशर कैसा होगा, निगेटिव होगा, और उस समय कहेंगे सर इसका रिजल्टेंट ये है, इसका फायदा ये हुआ, इन तीनों रिएक्शंस का साइमल्टेनियस जो रिजल्ट है ये है कि एटमॉस्फेयर की जो एयर है, जो एटमॉस्फेयर की एयर है, ये एटमॉस्फेयर की एयर अब मूव करके एल्विओली में आएगी। ये देखिए एल्विओली आएगी, तो ब्रीदिंग में क्या हुआ, अगर आपको स्टेप्स लिखने हैं तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले स्टेप हुआ प्रेशर ग्रेडियंट का मामला है, बाहर प्रेशर ज्यादा है अंदर कम है, मामला क्लियर हो गया, छोड़ो जाने दो। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, डायफ्राम फ्लैट हुआ, इंस्पिरेशन शुरू हो गई, तो आपसे पूछा जाएगा कि इंस्पिरेशन कब शुरू होती है, जवाब दीजिएगा डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने पर। फिर आपसे पूछेगा थोरेसिक चैम्बर किससे बढ़ती है, इंटीरियर पोस्टीरियर बढ़ती है, थोरेसिक जो चैम्बर है उसका इंक्रीज होता है, मतलब केज बढ़ता है ये। फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, रिप्स के बीच में ये मसल्स हैं, ये जो इंटरनल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स आप देख रहे हैं, ये जो रिप्स पड़ी होती हैं इन्हीं के बीच में ये मसल्स पड़ी होती हैं, इनका शॉर्ट नाम EICM है, ये सेट ऑफ मसल्स हैं, कैसी है, सेट ऑफ मसल्स है, एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, एक इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है अपर रिप के डॉर्सल से लोअर रिप के वेंट्रल पे पड़ी हुई है, अपर रिप के डॉर्सल से लोअर रिप के वेंट्रल पर पड़ी हुई है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो रिप्स और स्टर्नम रेस कर जाएंगे, थोरेसिक चैम्बर डॉर्सो वेंट्रल बढ़ेगा, और थोरेसिक चैम्बर के बढ़ने पर पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा, पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ने पर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर घटेगा, और इस तरह से एटमॉस्फेयर की एयर एल्विओली की तरफ मूव करेगी। अगर आपको ये बात सीखना है तो एटमॉस्फेयर एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 159 mmHg है, ये समझे आप, 159 mmHg है, जबकि एल्विओली के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 mmHg है, इसलिए एटमॉस्फेयर की एयर मूव करके
एल्विओली की तरफ आती है और इस प्रक्रिया को इंस्पायरेशन कहते हैं। तो थोरेसिक चैम्बर को बढ़ाने के लिए लोग दो लोग जिम्मेदार हैं, डायाफ्राग बढ़ाएगा इंटरो पोस्टीरियर और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल बढ़ाएगा इसे डार्सो वेंट्रल एक्सिस में और उस समय रिप्स और स्टर्नम को रेज कौन कराएगा? EICM। EICM क्या है? दो रिप्स के बीच में मसल्स पड़ी हुई हैं, अपर रिप के डॉर्सल से लोअर रिप के वेंट्रल पे जो मसल्स होती हैं उन्हें EICM फुल फॉर्म एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। इसलिए क्योंकि इसमें एनर्जी लग रही है, खर्च हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को आपने कहा सर एक्टिव प्रोसेस है, सांस लेने में 2 सेकंड लग रहे हैं, अब आइए सांस छोड़ी जाए। आओ बेटा सांस छोड़ी जाए, सांस जब छोड़ी जाती है तो उसे एक्सपायरेशन कहते हैं। इस एक्सपायरेशन में अगर आप देखें तो ये प्रक्रिया 3 सेकंड में होती है। दूसरा फट से कमेंट आपको लिखना है कि सर ये तो पैसिव प्रोसेस होती है, फट से आपको बिना देर के लिखना है सर ये तो पैसिव प्रोसेस है, ये बिना मन के काम होता है। कैसा होता है? बिना मन के काम होता है, पैसिव प्रोसेस है। तो एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस है और इस एक्सपायरेशन में होता क्या है? कुछ नहीं होता है, सिंपल सा होता है कि इसमें जो एल्विओली की एयर है वो मूव करके एटमॉस्फेयर में आती है, मतलब सांस बॉडी से बाहर आती है। ये देखिए एल्विओली की एयर मूव करके एटमॉस्फेयर में आती है। अब आप यहाँ पर एक फिगर बना लें जैसा कि NCERT ने बना रखा है, ये देखिए ऐसे बना लें इस तरह से, यहाँ लिखें कि ये हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर है ये, ये देखिए यहाँ से बाहर एयर की तरफ जा रही है, ये एयर है जो बाहर जा रही है, ये डायफ्राग्म है जो फेफड़े के नीचे पड़ा है, ये अपनी पुरानी पोजीशन में लौट आ रहा है, और क्या क्या हो रहा है देखा जाएगा। तो अगर एक्सपायरेशन करना है तो होगा क्या? सबसे पहला काम होगा सिंपल सा, जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई थी उन्हें रिलैक्सेशन कर देना है। तो आपने लिखा सर रिलैक्सेशन ऑफ, ये देखिए डायाफ्राग, पहला जो डायाफ्राग कॉन्ट्रैक्ट थे रिलैक्स हो गई, एंड EICM, EICM का पूरा नाम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। कितनी सिंपल सी और बड़ी बात है कि जिन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के कारण थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ा हुआ था कंटेक्शन के कारण, जब वो कम होंगे तो थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ेगा या कम हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर सिंपल सी बात है कि अगर ये डायफ्राग और EICM रिलैक्स कर गई, डायफ्राग और EICM रिलैक्स कर गई तो इसका इफेक्ट होगा कि जो ये थोरेसिक चैम्बर है, ये देखिए ये जो थोरेसिक चैम्बर है, थोरेसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम है, जो थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम है ये कम हो जाएगा। जब एक कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो बढ़ जाएगा, लेकिन जब ये रिलैक्स होंगी तो घट जाएगा। जब थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ऐसे में देखिए पल्मोनरी वॉल्यूम जो है, मतलब जो फेफड़ा जो गुब्बारे के अंदर या फेफड़े के अंदर का जो वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम फेफड़े का, वो भी कम हो जाएगा। जो गुब्बारा है उसको दबाया जाएगा कि एयर बाहर निकल जाए, पल्मोनरी वॉल्यूम कम हो जाएगा। लेकिन उल्टा देखिए गुब्बारे के अंदर का जो प्रेशर है जिसे हम लोग इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कह रहे हैं, ये इंट्रापल्मोनरी प्रेशर अब बढ़ जाएगा। ये देखिए जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा तो बताइए होगा क्या? ये जितनी अंदर की एयर है मूव करके फिर से बाहर आ जाएगी। इसमें और भी कुछ कुछ होगा, फिर से देखिए थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम क्यों कम हुआ? क्योंकि ये जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट थी वो रिलैक्स हो गई, ऐसे में पल्मोनरी वॉल्यूम कम हुआ, पल्मोनरी वॉल्यूम कम होने से इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हुआ, और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जब कम हुआ इस डायफ्राम और EICM के रिलैक्स होने से रिप्स और स्टर्नम ये किसके कॉन्ट्रैक्शन से बढ़ी थी? EICM के, अब ये फिर से नॉर्मल हो गई, मतलब पुरानी स्थिति में लौट गई। और ये देखिए जब थोरेसिक चैम्बर के वॉल्यूम कम होने से पल्मोनरी वॉल्यूम कम होगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम कम होने से इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना हो तो कैसे समझेंगे कि जिस खटखड़े के अंदर ही फेफड़ा है उस खटखड़े का नाम थोरेसिक चैम्बर है। कम क्यों हुआ? क्योंकि जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई थी वो रिलैक्स हो गई थी, इसका जो वॉल्यूम कम हो गया, उसके अंदर जो गुब्बारा है उसका टोटल वॉल्यूम भी कम होगा, प्रेशर पड़ेगा उसके ऊपर
और गुब्बारे के अंदर का जो भी, अब आप गुब्बारे को दबाएंगे मतलब फेफड़े को प्रेस करेंगे, तो फेफड़े के अंदर का प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब फेफड़े के अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा तो जो फेफड़े की एयर है वो मूव करके बॉडी से बाहर आ जाएगी। मतलब ये हुआ कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाने से, ये देखिए एल्वियोलाई की जो एयर है, एल्वियोलाई की जो एयर है वो मूव करके एटमॉस्फेयर में आ जाती है। कहाँ जाती है? एटमॉस्फेयर में आ जाती है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो आप कहेंगे सर इसका मतलब ये हुआ कि ये मसल्स जब कंट्रैक्ट करती है तो इंस्पिरेशन होता है, जब ये रिलैक्स होती है तो एक्सपायरेशन होता है। इनके कंट्रैक्शन करने से थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ता है, पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर घट जाता है। अब इस बात को ऐसे भी सीख सकते हैं कि अगर ये कंट्रैक्ट हुई तो इनका दोनों का वैल्यूम घटेगा लेकिन ये बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है कि थोरेसिक चैम्बर के वैल्यूम पल्मोनरी वैल्यूम एक साथ बढ़ेंगे एक साथ घटेंगे, लेकिन जब ये दोनों घटेंगे तो ये बढ़ जाएगा और जब दोनों ये बढ़ेंगे तो ये घट जाएगा। कॉन्सेप्ट यही है। मतलब अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पर रिप्स और स्टर्नम की क्या स्थिति होगी, आप कहेंगे सर नॉर्मल हो जाएंगे जैसे पहले थी, फिर से वैसे हो जाएंगे। और आप कहेंगे कि ये भी प्रेशर ग्रेडियंट का खेल है, किसका प्ले है? आप कहेंगे सर एक्सपायरेशन में भी किसका प्ले है? आप कहेंगे अरे सर प्रेशर ग्रेडियंट का प्ले है। कैसे प्रेशर ग्रेडियंट का प्ले है? आप कहेंगे सर इस केस में एटमॉस्फेरिक एयर जो प्रेशर है, जो एटमॉस्फेयर का एयर का प्रेशर है, एटमॉस्फेयर के एयर का प्रेशर है, ये प्रेशर जो होता है ये कम होता है। जबकि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या होता है? अगर मैं पूछूं गुब्बारे के अंदर का प्रेशर क्या है, आप कहेंगे सर जाहिर सी बात है कि बैलून के अंदर प्रेशर ज्यादा है। जब बैलून के अंदर प्रेशर ज्यादा है तभी तो बैलून की एयर निकल के बाहर की तरफ आएगी। ये देखिए, ये ऐसे कह सकते हैं आप, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज्यादा है, एटमॉस्फेयर एयर का प्रेशर कम है। मनुष्य के अंदर अपनी ब्रीदिंग रेट को बढ़ाने की, घटाने के लिए क्षमताएं होती हैं, एबिलिटी होती हैं, उसमें हमारी एब्डोमिनल मसल्स काम करती हैं जब हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं, और उसके सिवा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स भी फोर्सफुल एक्सपायरेशन में काम करती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप सिंपल बताएं थोरेसिक चैम्बर क्यों घटा? क्योंकि ये दोनों मसल्स रिलैक्स हुई। थोरेसिक चैम्बर के घटने पर कौन घटा? पल्मोनरी वॉल्यूम घटा। पल्मोनरी वॉल्यूम के घटने पर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ गया, बैलून के अंदर का प्रेशर बढ़ा और इस तरह से एटमॉस्फेयर की एयर एल्वियोलाई में आई। अगर आपसे मैं पूछूं पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एल्वियोलाई में कितना है, तो आप कहेंगे सर ये लगभग 40 mmHg का है, 40 mmHg का है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। लेकिन अगर हम एटमॉस्फेयर में कहें पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है, तो आप कहेंगे सर बहुत कम है, 0.3 mmHg का है। आप NCERT देखेंगे तो NCERT में इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपको इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन बेहतर तरीके से क्लियर होना चाहिए। मसल्स के रिलैक्स होने से ये चैम्बर का वैल्यूम कम हुआ, पल्मोनरी वैल्यूम कम हुआ, लेकिन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ गया। ध्यान रखें इस चीज को, समझें इस बात को, ताकि किसी तरह की गलती आप बायोलॉजी में न करें और हमें याद करें। जय बायो, जय जी, जय NCERT।